नमस्कार, स्वागत है आपका डिजाना न्यूज पर। मैं हूं आशीष जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा आज की। चर्चा आज की में विशेष टिप्पणी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिजाना न्यूज के एडिटर इन चीफ अरशद खान जी। अरशद जी, शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा आज की में हम बात करने वाले हैं कैदी नंबर 1997। जी हाँ, ये वो कैदी है जिसे लेकर 36 लोग काल का ग्रास बने, हिंसा का शिकार हुए हजारों लोग और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अरशद जी, 10 साल की सजा जी हाँ बाबा को आज सुना दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए आशीष जी, जो कृत्य उनके द्वारा किया गया था और जो आरोप उन पर सिद्ध हुए उसके आधार पर न्यायालय ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। वैसे तो कई सारे प्रकरणों में इस तरह के जो प्रकरण हुए उसमें हमने देखा है कि फांसी तक की या उम्र कैद तक की सजाएं कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन उनका जो आरोप है, उन पर जो आरोप लगाया है, शायद उनके वकीलों द्वारा जो क्रॉस किया गया होगा वहाँ पर, बचाव पक्ष की द्वारा की ओर से जो अपना पक्ष रखा गया होगा, उसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें मात्र 10 साल की सज़ा सुनाई है। जब हम सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं या खबरों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर से बात निकल कर ये सामने आती है कि जो एक संत के नाम पर बलात्कारी बन चुका था उसको 10 साल की सज़ा कम होती है। और रही बात जो निर्णय कोर्ट ने दिया है वो सोच समझ कर निर्णय दिया है। आशीष जी, आशीष जी, 15 साल तक केस चलता है और उसकी परिणति होती है और सिर्फ 10 साल की सज़ा, क्या इससे जो मजलूम है जिनके साथ ये सब कृत्य हुआ उन्हें राहत मिलेगी या आपको लगता है वाकई एक अच्छा फैसला इसे माना जाएगा? देखिए आशीष जी, हम पहले की चर्चा में भी ये बात रख चुके हैं और हम कोशिश ही कर सकते हैं कि जो हमारे न्याय प्रक्रिया है उसको उसमें तेज़ी लाना चाहिए। ये तेज़ी सिर्फ न्यायालय की तरफ से ही नहीं होना चाहिए, तेज़ी वहाँ से भी होना चाहिए। जैसे किसी एक्यूज़ ने, जो पीड़िता है या पीड़ित व्यक्ति है, उसने संबंधित थाने में शिकायत की तो वो शिकायत पर जल्द से जल्द चालान पेश हो और जल्द से जल्द उस केस पर सुनवाई हो। यदि ऐसा होने लग जाएगा, हालांकि कई सारी चीज़ें अब बदलने लगी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं, वहाँ पर जल्दी सुनवाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे करोड़ों लाखों केसेस हमारे पूरे हिंदुस्तान के न्यायालयों में लंबित हैं जिनके चलते जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको न्याय समय पर नहीं मिलता। और सीधी सी बात बताता हूँ आशीष जी, यदि आपको भूख अभी लगी है और यदि भोजन अभी आपको मिलता है तो आपको आनंद आएगा, और यही भोजन अगर आपको 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या दूसरे दिन मिलता है तो आप उसका उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, उस चीज़ का मज़ा नहीं रह जाएगा। तो यदि किसी अपराधी द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उस अपराध की सही विवेचना करके जल्द से जल्द उस पर निर्णय सुनाना चाहिए। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने अपना ट्रायल कर दिया, मीडिया ट्रायल होने वाला है जी, साक्षी महाराज जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं जी, हमेशा ऐसी चीज़ें आती हैं और एक ट्रोल बनता है, 2 से 4 दिन का माहौल बन जाता है, फिर सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। निर्भया का मामला हो, कुछ दिनों तक पूरा मीडिया में छाया रहता है, मीडिया ट्रायल हो जाती है, कई बार आपने भी कहा कि मीडिया ट्रायल होना भी किसी मामले को अंजाम तक पहुंचा, कई बार वो सही भी होता है, लेकिन अभी भी महिलाओं को लेकर जो स्थिति है, अभी भी ऐसी कई साध्वियाँ हैं, अभी भी ऐसी कई पीड़िताएँ हैं जो सामने नहीं आ पा रही है, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है न्यायपालिका से कि वो जो दूसरे और भी जो संत बंद हैं सलाखों के पीछे हैं उन पर भी जल्द फैसला कोर्ट ले? देखिए आशीष जी, ऐसा नहीं है। यदि आप पर किसी ने जुल्म किया है और अगर आप उस जुल्म की शिकायत नहीं करते हैं तो ये आप दोषी हैं। मैं उस व्यक्ति को दोषी मानता हूँ जिसके ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा जुल्म किया जा रहा है और उसकी शिकायत संबंधित को नहीं कर रहा है। ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। देखिए आशीष जी, आज भी पूरे हिंदुस्तान में कई तरह की बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद भी कुछ मामले थाने तक पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो सामाजिक ज्योग्राफी है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी बेटी बदनाम ना हो, उसकी बहू बदनाम ना हो, उसकी बहन बदनाम ना हो, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आदमी समय सिर्फ इसलिए निकालता है कि घटना घट गई जो हमें ही मालूम है तो यहीं तक सीमित रहे। और इस तरह के पीड़ित लोग, देखिए आशीष जी, कोई भी पहले दिन से कोई घटना नहीं घटती है और ऐसी घटनाएं लगातार जब घटती चली जाती हैं तो किसी न किसी दिन कोई एक व्यक्ति जो ऐसा है ताकतवर बनकर सामने आता है और वो शिकायत करता है जब इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। अच्छा जी, एक सामान्य सा इंसान एक डेरे से जुड़ता है और कुछ सालों में वो अकूत संपदा का मालिक बन जाता है, तो क्या एक कोई नियम ऐसा बनना चाहिए इस तरह के जो धर्माचार्य हैं तथा कथित जो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं जी, इनके सारी संपत्तियों की जांच नहीं की जानी चाहिए? आपको नहीं लगता
कि केवल 10 साल की सजा भर देने से क्या वो दोबारा से ही हरकत नहीं करेगा, या उनकी आड़ में जो और कई डेरे इस तरह के चल रहे होंगे, या और भी कई इस तरह के आश्रम होंगे, या और भी कई ऐसी जगहें होंगी जहां पर ऐसी अबलाएं जो हैं वो रोज किसी बलात्कारी बाबा का शिकार बनती हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत सामान्य सी बात हो गई। देखिए, जो भी एक तरीके का बिजनेस है ये कोई संतगिरी कहेंगे इसको, संत तो मैंने हमने पिछली चर्चा में कहा था, संत को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल उसे हेलीकॉप्टर में सफ़र करने की आवश्यकता नहीं है, उसे लग्जरी कार की आवश्यकता नहीं है। ये जिन्हें बाबा राम रहीम कहा जा रहा है, ये तो जीन्स भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, सोना भी पहनते हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, रॉक स्टार हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि हम हमारे धर्म की का पालन कर रहे हैं या उसे उछाल रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हमें समझाइश दी जा रही है जो खुद धर्म के हिसाब से ठीक नहीं कर रहा है, तो ये हमें खुद को सोचना चाहिए। रही बात आपने कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ तो देखिए कई सारे ऐसे अंधभक्त हैं आशीष जी, यहाँ पर इस देश में सबसे बड़ी विडम्बना हमारे देश की यही है कि लोग ज़रा से कहा यह जाता है कि हथेली में चांद दिखा जाएगा, हथेली में चांद जिसने दिखाया कि वो आदमी उसके पीछे चले जाता है, वो अपने इष्ट को भूल जाता है, अपने ईश्वर को भूल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, वो सब छोड़कर उसके शरण में चला जाता है। तो ये लोगों द्वारा अर्जित, लोगों से ये लोग पैसा अर्जित करते हैं, उसे यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हमने हमारी पहले भी चर्चा हुई आशीष जी की, इस तरह के जो संत होते हैं वो सरकार और आम लोगों के बीच के एक लाइजनर होते हैं, दे आर नॉट संत। ये कुछ संत वाली बात नहीं करते, अगर संत वाली बात करते हैं तो खादी कपड़े पहने, एक खड़ाऊ पहने, निकल जाए हिमालय की तरफ, वहाँ से उपदेश दें। जब ये अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकते हैं, ये सारी सुविधाएं चाहते हैं, तो ये सुविधाएं कहाँ से आ रही हैं? ये सब सेटिंग से हो रहा है आशीष जी, कोई बाबा ऐसा नहीं है कि हाथ में कुछ रखेगा और सोना बन जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। हमने ऐसी कई सारी मूवीज़ भी देखी हैं जिसमें साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आपके और हमारे जैसे लोगों की गलती है जिसका परिणाम है कि बाबा इस तरह के बन जाते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति आ जाती है। और सरकार को चाहिए, और सरकार जब इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो बाबा इतने पावरफुल होते हैं, इतना उनका लिखा पढ़ी होती है कि उस संपत्तियों को राजसाथ सरकारें नहीं कर पाती। जैसे आपने कहा कि अब संत गिरी चल रही, तो क्या ये माना जाए कि राजनेता और इस तरह के बाबाओं का गठजोड़ एक बहुत बड़ा धन अर्जित करने का, धनोपार्जन का एक बहुत बड़ा जरिया बनता जा रहा है, बहुत सारा काला धन भी यहाँ ऐसे आश्रमों में हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। देखिए, जितने भी नेता हैं, आपने साक्षी महाराज की बात कही, उनको इस पर बयान देने की आवश्यकता क्या थी जी? या तो वे लाइमलाइट होना चाहते हैं, बहुत दिनों से उन्होंने कुछ ऐसा उनका सीधा बयान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि जो राम रहीम की तीसरी बेटी जिसे गोद लिया गया था उसने ये आरोप लगाया है, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पर, हनीप्रीत ने ये आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार से एक सौदा हुआ था, उसमें सौदा ये हुआ था कि हम आपके हरियाणा की 28 विधानसभा सीटों पर समर्थन करेंगे जहाँ से बीजेपी जीती भी है, और उसके एवज में आप ये डील हुई थी कि आप बाबा पर लगे आरोप को हटाएंगे, लेकिन वो डील फेल हो गई। ये मैसेज वायरल हो रहा है, हम इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं करते हैं, इसको प्रमाणित नहीं करते हैं। पर वायरल तो ये भी हो रहा है कि पंजाब के अंदर बाबा ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, इसलिए ये खींच निकाली जा रही थी बाबा के साथ, और बाबा को ये बताने की कोशिश की जा रही कि हम अभी भी पावरफुल हैं, यदि आप पंजाब में कांग्रेस का सपोर्ट कर सकते हैं तो आखिर ये बाबा किसी के है ही नहीं ना अर्शद जी? बिल्कुल सही कहा अर्शद जी, ये बाबा किसी के भी नहीं। देखिए, वो अपना हित साध रहे हैं, और इस देश की भोली भाली जनता भीड़ में शामिल होकर उनको ताकत प्रदान कर रही है। जो लोग वहाँ मरे हैं, गोलीबारी में मरे हैं, आगजनी में मरे हैं, दुर्घटनाओं में मरे हैं, तो वो तो ये सुनने आए थे कि आज संत का कुछ उपदेश देने वाले हैं। उन्हें ये नहीं कहा गया था कि आज संत की गिरफ्तारी होने वाली है या वो कोर्ट में पेश होने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा कॉकस तैयार किया गया था, जो खबरें आ रही हैं, एक बहुत बड़ा कॉकस तैयार किया गया था और पूरी तरीके से एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत ये था कि जो बाबा का एक फायर ब्रिगेड है उसमें भी ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे, यानी किसी भी हादसे को अंजाम देने के लिए एक बड़ा प्लानिंग किया गया था आशीष जी। तो आम लोग समझ नहीं पाते हैं और आम लोगों की भूल है। आज जब सजा सुनाई गई तो गिड़गिड़ा रहे थे बाबा, रो रहे थे बाबा, और कुर्सी पकड़ ली थी उन्होंने जज की कि साहब मुझे माफ़ कर दिया जाए। क्या ये आंसू पहले बहा लेते तो शायद आज परिणाम कुछ और होता, या ये पूरी स्क्रिप्ट एक लिखी गई थी और इसका पटाक्षेप किया गया है? आशीष जी देखिए, ऐसा है जब व्यक्ति के पास पावर आता है, पैसा आता है, तो सब चीज़ों को भूल जाता है। ये एक इंसानी फितरत है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, और वो पावर के गुमान में इतना रहता है कि मैं सब
चीज़ को मैनेज कर लूँगा, लेकिन वक्त परिस्थिति बदलते समय नहीं लगता। हमने कई सारे लोगों की वक्त परिस्थिति स्थितियाँ देखते हुए बदलते हुए देखी हैं। ये वही बाबा है जिनके चरणों में कई नेता पड़े रहते थे जी, जो ये कहते थे कि मैं सरकार बनवा सकता हूँ, सरकार गिरा सकता हूँ। आज उनकी हालत क्या है? तो ये कोई नई बात नहीं है कि आप जज की कुर्सी को पकड़ के रोएं और अपनी संवेदनाएं प्रकट करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे माफ़ी तो उस व्यक्ति से मांगना चाहिए थी जिससे आपने बलात्कार किया है। यदि उसी को उसी से माफ़ी मांग लेते, उसी को सेटल कर लेते, तो शायद इतनी सारी चीज़ों उजागर नहीं होती। क्योंकि जो बयान आए उसमें ये कहा गया है, जो लड़की द्वारा पत्र लिखा गया उसमें कहा गया है कि हम तुम्हारे सरकारी नौकर जितने हैं, तुम्हारे परिवार में जितने सरकारी नौकर हैं उन्हें हटवा देंगे वहाँ से, हम तुम्हें मरवा देंगे, कई मंत्री संतरी हमारे चरण छूते हैं। तो ये गुमान था उनका, लेकिन सच्चाई सामने आई, न्यायालय ने फैसला दिया और 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। वाकई एक जो फैसला आया है, जो सज़ा की मियाद दी गई है, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों पर असर पड़ेगा जो इस राह पर चल पड़े और इस गोरख धंधे में अपने आप को लिप्त बनाकर और कई मासूमों के साथ, कई ऐसी अबलाओं के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसका खामियाजा डेरा सच्चा प्रमुख के जो प्रमुख है बाबा गुरमित राम रहीम, उनको मिला है। खैर, इस सज़ा का कितना असर होगा, वो कितना बदल पाएंगे या वो आगे क्या करेंगे, ये हम सभी के लिए जानने का विषय रहेगा। चर्चा आज की में इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए डीजियाना न्यूज़।